फरवरी का महीना आते ही हर तरफ प्यार ही प्यार छा जाता है। प्यार के इस महीने में प्यार का एक खास सप्ताह भी आता है, कभी रोज डे, कभी प्रपोज डे, तो कभी आज का खास दिन यानी हग डे। बॉलीवुड में भी हग्स यानी गले मिलने की खास रवायत है, लेकिन बहुत सी ऐसी जादू की झप्पियां रही हैं जिन्होंने बॉलीवुड ही नहीं देश भर में सुर्खियां बनाई। कुछ झप्पियों ने जहां टूटे रिश्ते एक बार फिर से जोड़ दिए, वहीं कुछ हग्स ऐसे भी थे जिन्होंने नई दुश्मनियों की शुरुआत कर दी। एक, सलमान और शाहरुख खान, बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा सिद्दीकी को शाहरुख और सलमान के हक की वजह से ही जानते होंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके बाबा सिद्दीकी इफ्तार ऑर्गेनाइज करने के लिए मशहूर हैं। 2013 में उनकी ऐसी ही एक पार्टी में सलमान और शाहरुख कई सालों की दुश्मनी भुलाकर गले मिल लिए थे। उनका यह हक इतिहास बन गया था। इस झप्पी के बाद ये दोनों एक बार फिर दोस्त बन गए थे। दो, ऋतिक रोशन कंगना रनौत। यह हग यानी झप्पी थोड़ी अजीब इसलिए थी क्योंकि इसके बाद कंगना और ऋतिक की दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। यह एक तस्वीर साल 2010 की है। उस दौरान ऋतिक और कंगना फिल्म काइट्स की शूटिंग कर रहे थे। यह फोटो तब वायरल हुई जब कंगना ने ऋतिक पर उन्हें बेतु के ईमेल भेजने का इल्जाम लगाया था। तीन, करण जौहर कंगना रनौत। यह हग एक बार फिर एक मेकअप हग था, यानी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए किया गया हग। करण जौहर और कंगना रनौत के बीच नेपोटिज्म को लेकर बड़ी लड़ाई 2017 में ही छिड़ी थी, लेकिन साल बीते ही इनका फिर से पैचअप हो गया। कंगना रनौत करण जौहर के टीवी रियलिटी शो इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार के सेट पर आई थी। यहां इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया और दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर दोस्त बन गए। चार, अमिताभ बच्चन रेखा। फिल्म सिलसिला अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी इतने सालों बाद आज भी बहुत ताजी है। आखिरी बार ये दोनों फिल्म सिलसिला में एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। कहा जाता है कि सिलसिला की कहानी इन दोनों के साथ ही जया बच्चन की जिंदगी से भी जुड़ी हुई थी। इस फिल्म में रेखा एक जगह अमिताभ को बहुत ही केयरिंग और प्यार भरे अंदाज में गले लगाती हैं। यह हग आज भी इन दोनों की लव स्टोरी की याद दिलाता है। पाँच, रेखा जया बच्चन। जया बच्चन अमिताभ की पत्नी तो थी ही, वो रेखा की दोस्त भी थी। अमिताभ से मिलने से पहले से ही रेखा जया बच्चन को जानती थी और उन्हें दीदी कहती थी, लेकिन अमिताभ से प्यार और मीडिया में इस बात के उछलने से इन दोनों की दोस्ती में भी दरार आ गई। बहुत बाद में एक अवार्ड शो के दौरान ये दोनों सभी पुरानी बातें भूलकर गले लगी। छह, ऐश्वर्या रणबीर कपूर। यह हग इसलिए हटके या खास थी क्योंकि इसने बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। ऐश्वर्या राय अब बच्चन बन चुकी थी। हाल ही में करण जौहर की फिल्म दिल ही मुश्किल में वो रणबीर कपूर के साथ नजर आई थी। इसके कुछ कोजी सीन ऐसे थे जिन्हें देखने के बाद अमिताभ बच्चन बहुत नाराज हो गए थे और इसी वजह से कुछ सीन फिल्म से हटवाने पड़े थे।